गुड मॉर्निंग क्लास, मैं सुदर्शन कुमार, आपका अपना चैनल SMITI जोन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसी मशीन बाइंडिंग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा, जो अरिहंत बुक से लिया गया है। और ये जो भी हम ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसलिए आप लोग इसको स्किप ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको करेंट नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम आप लोगों को 1 से लेकर के 26 तक क्वेश्चन करा चुके हैं, आज हम 27 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए 27 नंबर में क्या है, निम्न में यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक 3 फेज संकेंद्रीय वेस्टर्न का लक्षण नहीं है, यानी कंसंट्रिक बाइंडिंग का कौन सा इसमें कह रहा है कि लक्षण यानी प्रॉपर्टी नहीं है। तो पहले ये कंसंट्रिक बाइंडिंग का फिगर को आप समझिए। देखिए कंसंट्रिक बाइंडिंग में क्या होता है, इसका एक ही सेंटर होता है, ठीक है, एक ही केंद्र होगा और उसके चारों तरफ वाइंडिंग होगा। जैसे एक वाइंडिंग देखिए ये, फिर दूसरा, चलिए सबका एक ही केंद्र होगा, फिर तीसरा, चलिए तो देख रहे हैं ये कंसेंट्रिक वाइंडिंग है। अब आप इसके ऑप्शन को पढ़िए, कुंडली पिच सभी कुंडलियों के लिए समान नहीं होता है। सही बात है, देखिए ये कुंडली पिच है, ये कुंडली पिच, एक कुंडली किसी एक क्वाइल का एक्टिव साइड का सिरा, देखिए किसी एक क्वाइल के एक्टिव साइड के सिरा, ये एक क्वाइल हो गया। फिर देखिए ये रेड कलर वाला, इसका और इसका, तो सबके लिए तो ये कुंडली पिच किसको कहते हैं, यानी वाइंडिंग पिच किन्हीं दो एक्टिव, किन्हीं एक क्वाइल के दो एक्टिव के साइड के बीच की दूरी, ये मेरा कुंडली पिच। क्या सबके लिए समान तो नहीं होता, इसके लिए कुछ और होगा, फिर ये ग्रीन वालों के लिए कुछ और होगा, यानी सबके लिए देखिए क्या होगा कि अलग अलग होगा, इसके लिए कुछ और, फिर इसके लिए कुछ और, फिर इसके लिए कुछ होगा, सबके लिए समान नहीं होता है। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, ये तो लक्षण है ही नहीं, पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा। तो सभी कुंडलियों का आकार समान नहीं है, सही बात है, सभी कुंडलियों का आकार समान देख रहा है, ये देखिए इसका आकार कुछ और है, फिर इसका आकार कुछ और देख रहा है, फिर इसका आकार कुछ और देख रहा है, तो ये तो एक और दो तो होगा ही लक्षण इसका, ठीक है। तीसरा देखिए, पूर्ण कुंडली बाइंडिंग के लिए प्रति ध्रुव प्रति फेज एक कुंडली है, यही ऑप्शन इसका क्या होगा, कौन सा लक्षण नहीं है, तो यही सी नंबर इसका लक्षण नहीं है। जबकि चौथा देखिए, प्रत्येक समूह में कुंडलियों की संख्या समान होती, यह भी इसका लक्षण होता है, यानी सभी प्रत्येक समूह में क्या होगा, कुंडली की संख्या समान होता है इसमें कंसेंट्रिक वाइंडिंग। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, इस वाइंडिंग को करने में हमको अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, और सबसे मुख्य इसका इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी विशेषता ये है कि इसमें अधिक शीतलन स्थान होता है, और आमतौर पर हम इसको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गए, इसका एक ही केंद्र होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर, 28 नंबर, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा, क्या कर रहा है, एक फेज मोटर में सबसे अधिक सामान्य वाइंडिंग है, यानी सिंगल फेज मोटर में सबसे अधिक सामान्य कौन सा वाइंडिंग करते हैं, तो अभी जस्ट बताएं, सामान्यतः हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कंसेंट्रिक वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें शीतलन की अधिक स्पेस होती है, साथ ही साथ इसमें एक क्वाइल दूसरे क्वाइल पे चढ़ी हुई प्रतीत नहीं होती है, क्लियर। आगे आइए, 29 क्वेश्चन कर रहा है, इनवोल्यूट क्वाइल वाइंडिंग, इनवोल्यूट क्वाइल वाइंडिंग में डैश क्वाइल स्थापित की जाती है,
इनोवोल्यूट क्वाइल वाइंडिंग को समझिए। इनोवोल्यूट क्वाइल वाइंडिंग जो हम लोग बनाते हैं वो पहले ये जानिए कि ये उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाले मशीन में की जाती है। इस प्रकार को जो इनोवोल्यूट क्वाइल वाइंडिंग हम लोग करते हैं ये उच्च वोल्टेज वार कार्य करने वाले मशीन में करते हैं, यानी हमको हाई वोल्टेज लेना हो तो हम इस प्रकार का वाइंडिंग करेंगे इनोवोल्यूट। अब इनोवोल्यूट कराए क्वाइल वाइंडिंग में डैश क्वाइल स्थापित होते हैं, यानी षट भुजाकार होता है। यानी ये षट भुजाकार कैसे होगा आप देखिए, पहले आप ध्यान से इसको देखिए, समझ लीजिए। ये देखिए इसमें छह भुजा रहता है, इस तरह रहेगा, ये छह भुजा है। अब इस छह भुजा को जब आप पकड़ करके खींचेंगे तो ये दोनों भुजा देखिए एक हो जाएगा, ये यहां से खींचते हैं तो जब ये इसको इधर खींचेंगे तो देखिए ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है, ये इधर ऐसा हो गया, फिर इस तरह, फिर ये, यानी फिर ये दोनों कॉर्नर को हम खींचेंगे तो ये और ये पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा एक ऐसा हो जाएगा और ये पोर्शन फिर एक हो जाएगा, यानी इस तरह का ये बन जाएगा इनोवोल्यूट। यानी पहले ऐसा था तो जब हम इसको और इसको पकड़ करके खींचे तो ये फिर क्या होगा ऐसा बन गया, फिर इसको इसको खींच के तो ऐसा बना, पहले ऐसा था देखिए। तो इनोवोल्यूट क्वाइल बाइंडिंग ये है, यानी हमको अधिक वोल्टेज लेना हो तो हम इनोवोल्यूट क्वाइल बाइंडिंग करेंगे, ठीक है। इनोवोल्यूट क्वाइल बाइंडिंग को हम कैसे प्राप्त करते हैं, डायमंड क्वाइल बाइंडिंग से भी हम इनोवोल्यूट क्वाइल बाइंडिंग को बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सात छह भुजा है तो किसी दो कॉर्नर को खींचेंगे तो ये एक साइड बन जाएगा, फिर इस दोनों कॉर्नर को खींचे, ये दोनों कॉर्नर को खींचे तो ये साइड बना, क्लियर। याद रखिएगा षट भुजाकार क्वाइल स्थापित की जाती है इनोवोल्यूट क्वाइल बाइंडिंग के लिए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, होल क्वाइल वाइंडिंग के लिए आवश्यक शर्त, होल क्वाइल वाइंडिंग के लिए कह रहा है, होल क्वाइल वाइंडिंग के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि प्रति फेज क्वाइल की संख्या क्या होगा, प्रति फेज क्वाइल की संख्या पोल की संख्या के बराबर होता है, प्रति फेज क्वाइल की संख्या पोल की संख्या के बराबर होगा तो हम कहेंगे होल क्वाइल वाइंडिंग। चलिए 30 नंबर हो गया, 30 नंबर, अब चलिए हम लोग 31 की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिरा संयोजन समूह संयोजन तथा लीड संयोजन संबंधित विवरण लिया जाना चाहिए, यानी सिरा संयोजन समूह संयोजन, यानी सिरा संयोजन समूह संयोजन तथा लीड संयोजन संबंधित विवरण लिया जाना चाहिए, कहाँ लिया जाना चाहिए, कब, ये पूछ रहा है किस समय हम लेंगे सिरा संयोजन और लीड संयोजन समूह। तो आप इसके बारे में जानिए कि जब हमको वाइंडिंग को निकालने से पूर्व हम लोग ये लेते हैं सिरा संयोजन समूह संयोजन तथा लीड संयोजन, ये दो चीज़ का जो संयोजन हम लेते हैं वाइंडिंग को निकालने से पूर्व हम लोग लेते हैं। चलिए 31 नंबर हो गया, 32 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें सारा वाइंडिंग को हम टच कर देंगे लगभग। देखिए यहाँ पे चार वाइंडिंग है, आप देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन को आप लोग समझिए, एक तरफ वाइंडिंग है, ध्यान से देखिएगा, एक तरफ आपका वाइंडिंग है 32 में, एक तरफ आपका वाइंडिंग है और दूसरे तरफ उसका आरेख है, आप एकदम ध्यान से देखेंगे, आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, हम आपको एकदम एक एक करके इसके बारे में बता देते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ये बास्केट बाइंडिंग है, पहले समझिए, ये बास्केट मतलब होता है टोकरी, तो टोकरी नुमा बाइंडिंग ये होता है 3 नंबर। जल ये जो देख रहे हैं बास्केट मतलब बांस का बाम्बो इस तरह करके बनाया हुआ रहता है, देखिए ये बास्केट इस तरह, टोकरी आप लोग देखे हैं ना, ये हुआ बास्केट बाइंडिंग, ये
ये आपका बास्केट बाइंडिंग है इस तरह करके। फिर इसी पे देखिए, ये है बास्केट बाइंडिंग, यानी टोकरी जो देख रहे हैं आप लोग, डलिया देखे होंगे घर में जिसको डलिया बोलते हैं हम लोग, तो ये एक हरी होती है और दो हरी होती है। और आम तौर पे हम इसको क्या करते हैं, थ्री फेज वाइंडिंग में उपयोग करते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर IM इंडक्शन मोटर में उपयोग करते हैं, ये याद रखिएगा। ये एक हरी होती है और दोहरी विपरीत वाली होती है, यानी इसकी आकृति बांस की पट्टी की बुनी हुई टोकरी के समान होता है, इसलिए हम इसका बास्केट वाइंडिंग नाम दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें एक पार्श्व दूसरे पार्श्व को क्रॉस करता हुआ आ रहा है, देखिए तो, यानी एक का एक साइड दूसरे साइड को क्रॉस कर रहा है ना, ये काट रहा है ना ये, और ये इस तरह ये हो गया बास्केट बाइंडिंग, तो एक का हो गया ये। यहाँ इस वाइंडिंग का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, आम तौर पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर में करते हैं। कंसेंट्रिक वाइंडिंग के बारे में तो अभी आपको चर्चा कर ही चुके हैं, कंसेंट्रिक वाइंडिंग, ये है कंसेंट्रिक वाइंडिंग, और कंसेंट्रिक वाइंडिंग का फिगर देखिए ये है, ये हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में उपयोग करते हैं, आमतौर पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में उपयोग करते हैं। इसमें एक क्वाइल दूसरे क्वाइल पर चढ़ा हुआ प्रतीत नहीं होता है, इसमें चढ़ा हुआ नहीं रहता है, और इसमें मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जो है ना कूलिंग स्पेस ज़्यादा होती है। ठीक है, कंसेंट्रिक वाइंडिंग क्लियर हो गए। स्किन वाइंडिंग देखिए, ये स्किन वाइंडिंग है, स्किन वाइंडिंग का फिगर देखिए, ये वाला है, ये दूसरा, ये स्किन वाइंडिंग का फिगर आपका देखिए, ये दूसरा वाला है, ये स्किन वाइंडिंग, ये दो नंबर है। स्किन वाइंडिंग में क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा क्वाइल लेते हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ा क्वाइल को लपेट करके ही हम लोग यहाँ क्या करते हैं, दो क्वाइल बना लेते हैं। ये सारा हम बता चुके हैं, एक बड़े वाले क्वाइल लीजिए और उसी को लपेट करके, ये देखिए ये डॉटेड जो लाइन में दिया है ना, ये बड़ा क्वाइल है, इसी को लपेट करके देखिए इस तरह दो क्वाइल इस पर बना दिया है, इस पर लपेट करके एक दो क्वाइल इसी पर देखिए ये बना दिया है, ये स्किन बाइंडिंग, क्लियर, तो ये हो गया स्किन बाइंडिंग। चलिए उसके बाद देखिए डी नंबर में क्या है, फ्लैट लूप, फ्लैट लूप नन ओवरलैप वाइंडिंग, तो ये एक नंबर इसका हो जाएगा, फ्लैट लूप नन ओवरलैप वाइंडिंग का, ये डी का हो जाएगा आपका एक नंबर, ये फ्लैट लूप नन ओवरलैप वाइंडिंग, यानी फ्लैट लूप नन ओवरलैप वाइंडिंग। इस वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक क्वाइल छोटा है, छोटा बड़ा हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, क्वाइल पीच की छोटे आकार की क्वाइल तैयार की जाती है जो चित्र में दिया हुआ है, और वे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, ये दूसरे क्रॉस कर रहा है, एक छोटा क्वाइल है, एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये क्रॉस नहीं करेगा। और आमतौर पर हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यानी पंखा में, सिंगल फेज AC पंखे में हम इस तरह का वाइंडिंग करते हैं, फ्लैट लूप नन ओवर लूप, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसका ऑप्शन आप देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन कौन होगा, इसका ऑप्शन देख लीजिएगा 32 का ऑप्शन नंबर आपका होगा बी नंबर, ये बी नंबर। चलिए 33 की ओर चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, जब मोटर में संकेंद्रीय बाइंडिंग में स्किन क्वाइल प्रयुक्त हो तो निम्न में से कौन सा कार्य सर्वोत्तम होगा। स्किन क्वाइल प्रयुक्त हो, देखिए अभी संकेंद्रीय का भी फिगर हम आपको बता चुके हैं और स्किन का भी, स्किन का तभी जस्ट अभी आपको तुरंत बताए ना, स्किन में क्या होता था, स्किन क्वाइल वाइंडिंग, स्किन देखे थे कि एक ही मेन क्वाइल लिए थे बड़ा वाला इस तरह करके, देखिए देख रहे हैं है ना, इसी पे हम लोग क्या किए थे, देखिए स्किन में, स्किन वाले में हम लोग देखिए क्या किए थे, देख रहे हैं ये इस रूप में, ये स्किन, एक बड़े क्वाइल वाले व्यास को क्या किए थे, लेकर के इसमें दो बड़े क्वाइल में, दो क्वाइल में कन्वर्ट कर दिए थे। तो इसमें करा, जब मोटर में इसकी संकेंद्रीय वाइंडिंग में स्किन क्वाइल वाइंडिंग
प्रयुक्त हो तो निम्न में से सर्वोत्तम कार्य कौन सा होगा? तो ये होगा सर्वोत्तम कार्य में आएगा आपका कि संकेंद्रीय क्वाइल के एक समूह को खांचों में फंसाकर उनमें आकार का उपयुक्तता को परखा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उच्च वोल्टता वाली थ्री फेज मशीन की रिवाइंडिंग के लिए वरीयता प्राप्त विधि है। हमको हाई वोल्टेज लेना है तो किस प्रकार का हम वाइंडिंग करेंगे? तभी तुरंत हम बताए थे कि उच्च वोल्टेज के लिए हम इनोवोल्यूट क्वाइल वाइंडिंग प्रयोग करते हैं, इनोवोल्यूट क्वाइल वाइंडिंग। जबकि हम चैन वाला क्या करते हैं? चैन वाला वाइंडिंग हम तो कहाँ करते हैं? एसी पंखा में। संकेंद्रीय हम सिंगल फेज में करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 34 का। 35 नंबर में आइए। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि रिवाइंडिंग के पश्चात यह पाया जाता है कि कैपेसिटर प्रकार के टेबल फैन मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो गई है तो घूर्णन दिशा को पुनः परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिवाइंडिंग के पश्चात आप रिवाइंडिंग किए, ठीक है, मोटर को रिवाइंडिंग कर दिए, मोटर को मैंने टेबल फैन को रिवाइंडिंग कर दिए, करने के बाद आपको यह पता चल रहा है कि कैपेसिटर प्रकार के टेबल फैन मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो गई, तो आप कैसे उसको पुनः उसी दिशा में लाएंगे जो पहले दिशा में घूम रहा था? तो आपको क्या करना है कि ये डी नंबर यानी मुख्य कुंडलन अथवा प्रारंभिक कुंडलन वाइंडिंग की को परिवर्तित करके, यानी इसको लाएंगे मुख्य कुंडलन अथवा प्रारंभिक कुंडलन के संयोजन को परिवर्तित करके, यानी आपका क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा ये डी नंबर, मुख्य कुंडलन अथवा प्रारंभन यानी प्रारंभ कुंडलन के, यानी कि स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग के संयोजक को परिवर्तित करके हम ऐसा कर सकते हैं जो पहले वाली पूर्व घूर्णन दिशा में पुनः परिवर्तित कर सकते हैं जो पहले जिस रूप में घूम रहा था, ठीक है। 35 का ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि यदि किसी मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल प्रति फेज कुंडलियों की संख्या एक हो तो वह क्या कहलाता है? प्रति फेज प्रति पोल, प्रति पोल प्रति फेज कराए कुंडलियों की संख्या अगर एक होगा तो वह कौन सा वाइंडिंग होगा? तो वह कौन सा वाइंडिंग होता है? संकेंद्रीय कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होता है। कि अगर प्रति पोल और प्रति फेज कुंडलियों की संख्या एक हो तो वह कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होगा। चलिए 37 नंबर। रीवाइंडिंग करते समय एक ग्रुप कि सभी क्वाइल के बीच कितनी स्लॉट का अंतर होना चाहिए? रीवाइंडिंग करते समय, रीवाइंडिंग करते समय एक ग्रुप की सभी क्वाइल के बीच कितने स्लॉट का अंतर होना चाहिए? ये आप लोग याद कर लीजिएगा, दो का अंतर होना चाहिए। सभी क्वाइल के बीच दो स्लॉट का अंतर होना चाहिए। अब 38 नंबर क्वेश्चन में चलिए। सिंगल फेज मोटर की रीवाइंडिंग करते समय रनिंग तथा स्टार्टिंग क्वाइल को एक दूसरे से डैश पर रखना चाहिए। रिवाइंडिंग कर रहे हैं तो रनिंग और स्टार्टिंग क्वाइल को एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखते हैं इस तरह, ठीक है। ये देखिए, अगर ये मेरा रनिंग है और ये स्टार्टिंग है, ये R मतलब रनिंग, ये S मतलब स्टार्टिंग, तो देखिए एक दूसरे से कितना पे रखे हैं? ये 90 डिग्री पर रखेंगे, एक दूसरे से ये 90 डिग्री पर हम लोग रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, एक दूसरे से हम 90 डिग्री पे रखते हैं। 39 देखिए। थ्री फेज मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल डैश समान होना चाहिए। प्रति पोल क्या समान होना चाहिए? तो प्रति पोल फेजों की समान संख्या समान होना चाहिए। प्रति पोल प्रति फेज की संख्या समान होना चाहिए, ना तो क्वाइल की संख्या ना स्लॉट की, ये सब कुछ नहीं, फेजों की संख्या समान होना चाहिए 39 में। क्लियर, ये सारा क्वेश्चन आपका एसी मशीन वाइंडिंग का समाप्त हो गया। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। इस तरह आपके एसी मशीन वाइंडिंग के सारे ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गए। तो चलिए, यदि आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें।
यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।